अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तारीखी इस्लामी नॉलेज चैनल को। तमाम इस्लामी जानकारी और बेहतरीन बेहतरीन बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आजकल ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है कि किसी के ऊपर जादू है और किसी के ऊपर जिन्नात आसे भी दखल है। बहुत सारे लोग आजकल किसी को अच्छी तरह रहता नहीं देख सकते हैं, किसी को अच्छी तरह खाता नहीं दे सकते हैं, किसी को अच्छी तरह तरक्की पर जाता नहीं दे सकते हैं। इसी जलन में, इसी दुश्मनी में इंसान लोगों पर जादू वगैरह करा देता है, सिपली जैसा अमल करा देता है। ऐसे अमल कराते हैं कि लोगों के जहन बेकार हो जाते हैं, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लोगों के घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। ये कैसे पता करें कि किसी के ऊपर जादू या सिपली अमल है या फिर जो है आसेबी जिन्नात का असर है या कुछ भी नहीं है? तो इसको देखने के लिए बहुत अच्छा मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, आप उसको करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फौरन पता चल जाएगा कि आप पर जिन्नात का असर है या फिर आपके ऊपर सिपली अमल जादू किया हुआ है या फिर आप पर कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी के ऊपर जादू या आसेब जिन्नात का असर हो तो उसको कैसे पता करें कि किसी के ऊपर जादू है, सिपली अमल किया हुआ है या फिर जिन्नात का आसेबी दखल है या कुछ भी नहीं है, ये कैसे पता करें? मैं आपको बताता हूँ, आप नीम की पत्ती चार लें, नीम की पत्ती चार तोड़ लें साफ साफ, उसके बाद चार पत्ती लेकर उसके बाद आप एक पत्ती पर तीन बार कुरान शरीफ की एक आयत है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखने लगी होगी, आप इस आयत को एक पत्ती पर ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, आप इसको तीन बार एक पत्ती पर पढ़कर दम कर दें, फूंक दें, फिर दूसरी पत्ती लें, फिर उसके ऊपर आप यही आयत पढ़ें ला युजल लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, इसको तीन बार पढ़कर फिर दूसरी पत्ती पर फूंक दें। ऐसे ही आप तीन तीन मर्तबा चारों पत्ती पर फूंक कर फिर इसको आप खा लें। खाने के बाद अगर आपकी नीम का पत्ती का जायका मीठा होगा तो समझ लो आपके ऊपर जिन्नात हैं, आसेबी दखल है, और अगर नीम की पत्ती का जायका नमकीन होगा, मिर्चों वाला होगा तो समझ लो आप पर सिपली अमल जादू वगैरह किया गया है। और अगर ये मीठा और या नमकीन आपको जायका ना लगे, कड़वा ही नीम की पत्ती का जायका लगे तो समझ लो आप पर कुछ नहीं है, आप पर बीमारी है, आप इसका इलाज करते रहें।